परमाणु के बारे में पढ़ूंगी। मैं पता है क्या सोच रही हूँ, एक दिन तुझे फंसने वाला है। तो बोल क्या, मैं हमको तो जैसे बोला वैसे ही क्या बोलते, फिर से अच्छा बनूंगा मैं, मिस करूँ स्पेशली ऊपर गंदा लाल के मैं ऊपर ही देखती। परमाणु इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और May 11th, 1998 में जो हुआ और इंडिया ने जो परमाणु परीक्षण किए थे, परमाणु का मतलब एटम होता है, परमाणु बम मतलब एटम बम, परमाणु परीक्षण मतलब एटम या न्यूक्लियर टेस्ट। तो 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, ये जो फिल्म है उस पे बेस्ड है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो जितने सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स ऑफ कोर्स नाम हमने इसलिए चेंज किए क्योंकि यू नो यू गेट इनटू बायोपिक इश्यूज, राइट इश्यूज, लेकिन प्लॉट इज अ ट्रू प्लॉट। या सो द स्टोरी इज बेसिकली अबाउट प्रोक्रिम के ऊपर है। यस यस। सो खुद को किस तरह से तैयार किया आपने, कितनी मेहनत लगी, किस तरह से, क्योंकि काफी ही हमने देखे कि काफी मेहनत लगती है बीइंग टू बी एट दिस फिल्म। एक जॉन हमने देखा था मद्रास का, एक जॉन था। आई थिंक आई टेल यू व्हाट, परमाणु जैसे फिल्म में काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो वो मैं मेरे डायरेक्टर को क्रेडिट देना चाहता हूँ। 3 साल के लिए उन्होंने रिसर्च की इस फिल्म पे, सो वी वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस फिल्म। पर्सनली मेरे लिए, मेरा कैरेक्टर का नाम अश्वथ रैना है, वो एक जूनियर ब्यूरोक्रेट है PMO में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में। तो मुझे अपने आप को काफ़ी डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ा, यू नो आई कुडंट बी यू नो लाइक अ बॉडी बिल्डर और देयर हैड टू बी ईजी। तो काफ़ी वर्कशॉप्स किए हम लोगों ने, और सिर्फ मैं नहीं, डायना ने, हमारी पूरी जो कास्ट है सब ने बहुत मेहनत की। एंड फाइनली वी वेंट टू शूट, और शूटिंग के दौरान भी, शूटिंग के वक्त पे टेम्परेचर्स उस वक्त पे 51-52 डिग्रीज थे, लेकिन सब लोगों को बहुत मज़ा आया। एंड आई मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, डायना भी इतनी स्पोर्टिंग थी क्योंकि you know, for a girl, the makeup, everything, it's kafi mushkil hota hai, but she was very sporting, she was like one of the boys, and I think we've got a fantastic film. So like, how's Dina on shoots and everything, matlab kis tarah se tha wo shooting ko ye sab moment? Nee, Dina bahut hi sweet, reserved ladki hai, apne kaam se matlab rakhti hai. She used to come on time, do her work and go back. उसके बाद जैसे पैकअप बोलते थे, वी डिडंट नो वेयर डायना वाज, नेक्स्ट डे टाइम पे आती थी। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, हमें काम से मतलब है, एंड शी इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल। और डायना का जो स्क्रीन प्रेजेंस है, वो जब भी आप शूट कर रहे हो उस वक्त पे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप असिस्ट पे देखोगे, वो मतलब शी जस्ट उभर के निकलती है वो। सो आई थिंक शी इज फैंटास्टिक। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन मैं खुश हो गया, क्योंकि जे एंटरटेनमेंट में हम लोग नॉन फॉर्मूला फिल्म्स करते हैं, अलग किस्म की फिल्म करते हैं, काफ़ी रिस्क लेते हैं हम लोग। जैसे मद्रास कैफे उस वक्त पे एक रिस्क थी, उसके पहले विकी डोनर, अगर मैं आपको कहूँ कि स्पर्म डोनर के ऊपर मैं फिल्म बना रहा हूँ, आप उस वक्त पे आप सोचते हैं कि ये पागल हो गया ये। सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक रिस्क, आई थिंक परमाणु इज दैट रिस्क, बट इट्स ऑल्सो सच एन एक्साइटिंग ट्रू स्टोरी कि मैं तो चौंक गया। मैं तो अपने डायरेक्टर को मैंने कहा कि 20 साल में किसी ने इसके ऊपर फिल्म नहीं बनाई, इट्स शॉकिंग, बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद अगर एक डिफाइनिंग मोमेंट थी हमारी हिस्ट्री में, वो ये थी। और जिस तरीके से हमने अमेरिकन सैटेलाइट्स को अवॉइड किया और ये टेस्ट किए, 30 days टिल द टेस्ट, 30 दिन पहले टिल द डे ऑफ द टेस्ट, ये स्टोरी इसके बारे में है कैसे। इट्स सच अ थ्रिलिंग फिल्म, such a thrilling story, I am shocked no one's decided to make it, so we are happy we did it. जब अगर हम बात करें पहले कि जब कोई फिल्म के, हमने आपको हर एक जॉनर में देखा है, whether it is serious, love story, comedy, everything. So like, which is your the favorite zone की ऐसा कुछ है? Because you being an actor, portraying any character, it's not that easy, right? If I'm not wrong.
एज एन एक्टर जैसे मेरे डायरेक्टर ने कल कहा, नाइस ऑफ हिम टू से दैट, ही सेइंग जॉन अब्राहम का कोई जॉन अब्राहम कोई बैगेज नहीं लेके आता है फिल्म पे, ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर, ही कम्प्लीटली सबमिट्स, मैं सबमिट करता हूँ डायरेक्टर को. अगर कॉमेडी है मैं बोलता हूँ कि अच्छा कॉमेडी करना है, वी हैव टू मेक पीपल लाफ, ये मेरा कॉमिक टाइमिंग ऐसे होना चाहिए. अगर एक सीरियस फिल्म है, अगर अश्वथ रैना मुझे प्ले करना है, देन आई सबमिट टू दिस रोल. सो आई थिंक ऑडियंस को बहुत पसंद है कि मैं एक्शन करूं. जैसे सत्यमेव जयते जो 15th of August पे रिलीज हो रही है, इज ऑल अबाउट एक्शन. लेकिन मुझे एज अ प्रोड्यूसर, आई लव मद्रास कैफे, परमानु, विकी डोनर, क्योंकि मुझे रिसर्च बहुत पसंद है. आई लव रिसर्चिंग ऑन फिल्म. एंड मैं आपको लिख के देता हूँ कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद you will do an interview with me and you'll say Parmanu bahut achhi film hai, because I know how it is. I'm many which you're saying, because yeah. after watching this trailer, I'm many which you're saying yeah. this is like something we had actually wanted. Yeah, it's a very special film. It's a lovely film. लेकिन मेरा जॉनर जो मुझे बहुत पसंद है वो कॉमेडी है. आई लव कॉमेडी एंड आई लव मेकिंग पीपल लाफ, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज लोगों को हंसाना होता है. सबसे आसान चीज़ तो ड्रामा होता है, लेकिन लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल चीज़ है. कॉमिक टाइमिंग, हाउ यू डू इट, इसीलिए गरम मसाला, देसी बॉयज, वेलकम बैक, हाउसफुल 2, वट एवर कॉमेडी फिल्म हैव डन हैज वर्क्ड बिकॉज ऑफ द कॉमिक टाइमिंग. कॉमिक टाइमिंग बहुत जरूरी होता है. अगर मैं एक्टर नहीं होता, एटलीस्ट कॉलेज के टाइम पे मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट बनने की सोच रहा था, बिकॉज आई लव डिगिंग अप ओल्ड बोन्स. और मतलब ये आर्कियोलॉजी का मतलब आपको पता है, जो प्री हिस्टोरिक जो हमारे डायनासोर्स थे जुरासिक पार्क में, कितने साल के थे, 3,000 साल के या 20,000 साल के थे, मुझे वो सब बहुत पसंद था. आई वुड हैव डन दैट. लेकिन आज की तारीख में अगर मैं एक्टर नहीं बनता तो मैं शायद एक मोटरसाइकिल रेसर बनता, बिकॉज मैं मानता हूँ कि आई कैन राइड अ मोटरसाइकिल बेटर देन आई कैन वॉक, सो आई वुड बी अ मोटरसाइकिल रेसर. सो व्हाट इज अ डिफिकल्ट पार्ट फॉर यू, शूटिंग और प्रमोशंस? शूटिंग सबसे आसान चीज शूटिंग होता है, प्री प्रोडक्शन सबसे मुश्किल होता है और पोस्ट प्रोडक्शन सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद मार्केटिंग काफी मुश्किल होता है. लेकिन शूटिंग का जो वक्त है वो सबसे आसान होता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इनफैक्ट ये शूट इतना स्मूथली गया कि हम लोग शेड्यूल के 2 दिन पहले हमने इसको कंप्लीट किया. इट वॉज सो स्मूथ एंड ऑल द कोऑपरेशन ऑफ द एक्टर्स, और ऑफकोर्स मेरे डायरेक्टर बहुत ही प्रिपेयर थे. सो इट वॉज अ फैंटास्टिक शूट. प्लीज गो एंड वॉच परमानु ऑन द 25th of May, 24th of May इन द मिडल ईस्ट, 25th of May इन इंडिया. एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, अलग किस्म की फिल्म बनी है, एंड इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी. सो प्लीज सी व्हाई एंड व्हाट मेड इंडिया प्राउड. थैंक यू.